सही भाभी, थोड़ी देर रुक ही जाती, इतनी भी क्या जल्दी थी खुद के लिए चाय बनाने की। मैं खुद के लिए चाय नहीं बना रही हूँ करिश्मा, आई के लिए बना रही हूँ, उनका सर दर्द हो रहा था। वहीनी अगर लोगों को सर पे चढ़ाएगी तो सच में दर्द पीड़ा पेन तो होगी ना। हाँ और क्या, तुम क्यों घूर रही हो मुझे? आपके कहने का क्या मतलब है काकू? आई के सर में दर्द मेरी वजह से हो रहा है? समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ समझदार तो मैं हूँ, तभी तो आपका इशारा समझ गई। आपकी बहू करिश्मा होती तो समझ भी नहीं पाती। इसी कड़वी जबान की वजह से वो पत्र लिखा घर छोड़कर चली गई है, और ऊपर से तुम्हारी जिद। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं माफी मांगूंगी। हाँ नहीं मांगूंगी माफी, यही कह रही हूँ मैं। ये जो हर बार बच्चों जैसे जिद करती हो ना, वो जिद करना छोड़ दो। जब घर के बड़े कह रहे हैं माफी मांग लो पत्रलेखा से, तो प्रॉब्लम क्या है? इतना अहंकार, गुरूर, घमंड भी किस काम का, बोलो मुझे। सही भाभी, घर के सभी लोग चाहते हैं कि पत्रलेखा भाभी वापस आ जाए, और वो बिना आपकी माफी के तो पॉसिबल नहीं है ना। करिश्मा आप प्लीज। सही, करिश्मा और सोनाली ताई बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा तू अश्विनी ताई के लिए चाय लेके जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। सही, तो मेरे साथ खेलने आई है ना? हाँ आपको कैसे पता? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाली थी ऐसे भूख करके। क्योंकि मैं तो समझदार हूँ ना, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। वो तो आप हो। अच्छा चलो भी खेलते। हाँ लेकिन ये पहले चाय दे आऊँ आई को, उनका सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर वापस आके खेलूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है तो जल्दी आगे आ जा, नहीं तो फिर तेरी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं नहीं ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, मैं आती हूँ। चल चल अभी मैं बनूंगी इंजन और तू बनेगा डब्बा। कोई बात नहीं। मस्त मस्त, बहू का काम घर जोड़ना होता है, लेकिन तुम कुछ ना कुछ तोड़ने में लगी रहती हो, कभी इस घर का सामान तो कभी रिश्ते। काकू वो गलती से हाथ से बस। चुप, मैं तेरी काकू नहीं हूँ। चुप करो, सही को कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही अच्छी है, आप सब लोग गंदे हो। सही अच्छी, आप सब गंदे। सही अच्छी, आप सब गंदे। देख रहे हो ना निनाद, तुम्हारी बीवी के साथ साथ इसने देवयानी को भी अपने झांसे में ले लिया। पहले तुम्हारी बीवी को जुबान लड़ाना सिखा दिया, और अब देवयानी को। आई सही बुरी नहीं है। हाँ तुम सब लोग बुरे हो, और सबसे गंदी तो है ना वो पत्रलेखा थी। चलो वो पत्रलेखा चली गई। ठीक है देवयानी, तुम्हारी सही अच्छी है ना, तो फिर वो पत्रलेखा से माफी क्यों नहीं मांग लेती? क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है काकू। मैं इतना तो पता होगा ना कि जिस डाली पर बैठते हैं उसे कुल्हाड़ी मारकर काटा नहीं जाता। तुम हमारे परिवार को तोड़कर उसी परिवार का हिस्सा बनने की सोच भी कैसे सकती हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाबा कि पाखी दीदी आपकी चहेती बहू है, आप उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन जब वो मेरे साथ गलत कर रही थी तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। मैंने तुम्हें भवानी ताई, बच्ची है, गुस्सा मत होइए। तो फिर समझा इसे, थोड़ी अक्ल डाल इसके गर्म दिमाग में। इस घर में अगर रहना है तो इस घर के हिसाब से रहना होगा, समझ ला। हो सही, तू समझती क्यों नहीं, अगर इस घर की बड़ी बहू छोटी बहू की वजह से घर छोड़ के चली गई है, और अगर तेरे माफी मांगने से वो इस घर में वापस आ सकती है, तो इसमें परेशानी क्या है? कमल दादा ने भी यही सिखाया था ना तुझे सही, अगर कोई गलती करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। वो मौशी आबा ने सिखाया था कि कभी भी गलती हो जाए तो माफी मांग लो, लेकिन ये तो नहीं सिखाया कि बिना गलती भी माफी मांग लो।
अगर मैं गलत होती तो मैं एक बार नहीं हजार बार माफी मांगती काकू, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। और जब मैंने गलती ही नहीं करी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी और ना ही ये चाहूंगी कि मुझे माफी मांगने के लिए बोला जाए। मैंने पाखी दीदी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है, बल्कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, तो उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपनी औकात में रह सही। तुम पत्रलेखा से माफी मंगवाना चाहती हो? रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी है। गलतियां तो बड़े और छोटे दोनों से होती है काकू, और माफी उसको मांगनी चाहिए जिससे गलती हुई हो। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। आप लोग जब देखो तब सही के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हाँ काकू, देखो ना शिवानी, देवी के लिए जूस बनाया है, प्लीज लेके जा। ओ बहनी, देवी बहुत टेस्टी मैंगो जूस पीते हैं, चल। मैं मैंगो जूस पी के आ रही हूँ। कोई भी सही को नहीं डांटना, सही मैं आ रही हूँ मैंगो जूस पी के, ओके? चलो चलो चलो। और पत्रलेखा ने कौन सा पहली बार मायके जाने की जिद की है? सही के आने से पहले भी तो वो मायके जाना चाहती थी ना? जाना चाहती थी और जा चुकी है, इसमें फर्क है अश्विनी। जब पत्रलेखा के माँ बाप आए थे तो मैंने खुद से इजाजत दी थी कि वो मायके रहकर आ सकती है, लेकिन पत्रलेखा ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो मानसी की सेवा करना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है वो उसका। लेकिन ये तेरी बहू ने उसकी बेइज्जती की, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये सब बर्दाश्त करके कैसे रह सकती थी वो यहां? सही, कान खोल कर सुन। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तू भी इस घर में नहीं रह सकती। सही, विराट ने तुमसे शादी की है और उसने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो तुम्हारा साथ देगा। विराट सर क्या करेंगे क्या नहीं, ये आप उन पर छोड़ दीजिए। और आप लोग तो जिंदगी भर मेरी कमियां ढूंढकर उस पर बहस करते रहेंगे, जो मैं सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। विराट अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? पत्र लिखा बेटा, जाकर पता करके आओ विराट की तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ विराट को, वो कभी अपनी ड्यूटी के लिए लेट नहीं होता, वक्त का बहुत पाबंद है वो। बहनी, विराट आज अपने फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गया। बेटा मालूम करके आओ वो ठीक ठाक तो है ना। बड़ी मामी आप प्लीज सही से कहिए ना, मैं कैसे? वो जंगली मुर्गी, सही और गलत का फर्क नहीं जानती। वो विराट की तबीयत ठीक है या नहीं है क्या समझ सकती? उसे अगर जरा भी फिक्र होती विराट की तो इस वक्त वो उसके लिए नाश्ता बना रही होती, सो ना रही होती ऐसे आराम से। पत्र लिखा तुम जाओ, मालूम करके आओ उसका हाल चाल, वो ठीक ठाक तो है ना। पति की तबीयत के बारे में अगर पत्नी से पूछा जाए तो एक बार में ही जवाब मिल जाता है। अब हर पत्नी मेरे जैसी तो नहीं होती, पति की हर बातों से अनजान। अश्विनी, जुबान चलाना मुश्किल नहीं होता है, जुबान पर काबू रखना मुश्किल जरूर होता है। पत्र लेखा, तुम्हारी अश्विनी मामी को अपनी बहू की तरह बात करने की आदत हो गई है, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर देख कर विराट को, सब ठीक तो है ना? मैं विराट के कमरे में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे वहां जाने का कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाएगा और फिर मुझे सबके ताने सुनने पड़ेंगे, वो भी उस बात के लिए जो मैं करना नहीं चाहती। सही आओ बेटा, विराट की तबीयत कैसी है? उनको क्या हुआ है? अरे तो अभी तक वो ड्यूटी के लिए तैयार होकर नीचे क्यों नहीं आया? हो सकता है शायद विराट दादा आज थोड़ी देर तक सोना चाहते हैं। करिश्मा, यहाँ बात विराट की हो रही है, मोहित की नहीं।
इस घर में सिर्फ मोहित दोपहर तक सोता है। विराट हमेशा वक्त पर उठता है, कभी किसी चीज के लिए देर नहीं करता। हो सकता है बड़ी मामी, कल विराट की नींद पूरी नहीं हुई हो। कल रात काफी देर तक उसके रूम की लाइट ऑन थी। पत्रलेखा, तुम रात को सोती हो या पहरा देती हो? विराट के कमरे की लाइट कब ऑन होती है, कब ऑफ होती है तुम्हें? अश्विनी मामी, कल रात देर तक मैं किताब पढ़ रही थी और मेरी आदत है सोने से पहले किताबें पढ़ने की। मैं जानती हूँ विराट वक्त पर क्यों नहीं सोया, इसकी बड़बड़ करने की वजह से। क्यों हमारे विराट की आदतें खराब कर रही हो? कहाँ वो जल्दी सोकर जल्दी उठने वालों में से था, लेकिन तुम देर रात तक अपने फिजूल की बड़बड़ में उसे लगाकर उसे तुम्हारे जैसे बना रही हो। अरे साहब, सो गया क्या? सवाल किया है मैंने, जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देती? सही, इसे सही। हाँ, कहाँ खो गई हो? क्यों हुआ? काकू कुछ पूछ रही है। क्या हुआ काकू? मस्त मस्त, जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल कर रही है। क्या हुआ काकू? तुम हमारे विराट को चैन से सोने क्यों नहीं देती? तुम्हारी बड़बड़ की वजह से हमारा विराट वक्त पर सो नहीं पाता है। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि सुबह उठकर उसे ड्यूटी पर जाना होता है। समय देखा है, कितनी देर हो गई है। अरे काकू, मैं क्यों उन्हें जगा के रखूंगी? और वो कोई बच्चे थोड़ी है जो मुझसे बात करने में इतने खो जाएंगे कि सोना ही भूल जाए। उनको अच्छे से पता है कब सोना है कब जागना है। अपनी जबान पर काबू रखो लड़की। सही जबान संभाल के ही बात कर रही है निनाद। उसे विराट के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, आप क्यों उसे बिना वजह डांट रहे? तुम क्यों बार बार उसकी तरफदारी कर रही हो? मैनी प्लीज, ये फालतू की बहस छोड़कर ना हमें विराट का पता करना चाहिए। बरोबर बोली सोनाली। पत्र लिखा, तुम जाओ देख कर आओ विराट को। सही सही, तुम जाकर देख कर आओ विराट ठीक है या नहीं। पत्र लेखा, तुमसे जो कहा जाए वो करो, जाओ जाकर देखो। बड़ी मामी, विराट। विराट, अरे तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, मुझे क्या होगा काकू? खंडवा तुझे खूब खूब आभार। अरे तू तो काम पर नहीं जाना? वो मैंने आज एक दिन की छुट्टी ली थी। छुट्टी क्यों? एक बहुत ही जरूरी खबर आने वाली थी तो उसी का इंतजार था। मेरे प्रमोशन की खबर है क्या? अरे विराट, मैच खेलने नहीं आया, एक गोल से हार गया यार। विराट, क्या बात है, किस खबर का इंतजार कर रहा था? अरे बोलना, क्या है न्यूज समाचार खबर? भाई, कौन सी स्पेशल जगह पोस्टिंग हो रही तेरी? नहीं, कोई पोस्टिंग की खबर नहीं है, इनफैक्ट ये खबर मेरे बारे में है ही नहीं। ये खबर सही के बारे में है। सही के मेडिकल कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका रिजल्ट आया हुआ है। और क्या? और क्या विराट सर, बोलिए ना। और क्या वीरू, बताना। हाँ। और ये कि तू बताना तो फटके दूंगी मैं। जल्दी बता, जल्दी बता। सही ने कमाल कर दिया है, टॉप 10 में आई है, पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया उसने। वाओ, सच्ची? पापा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सही,
क्या है? सही। मुझे पता था तू तो अपने आबा का सपना जरूर पूरा करेगी। आज कमल दादा होते तो कितना खुश होते। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? गणपति बप्पा की वजह से। चलो चलो उनके आशीर्वाद लेते हैं, चलो जल्दी। थैंक यू पप्पा। अब इसे जल्दी जल्दी डॉक्टर बनाओ ताकि सही ये घर और विराट की जिंदगी दोनों से दूर जा सके। मैंने कंग्रेचुलेशन सही। थैंक यू बागी दीदी।